वे मसीह यीशु को महायाजक के सामने ले गए। वहां सभी प्रधान याजक, वरिष्ठ नागरिक तथा शास्त्री इकट्ठा थे। पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो महायाजक के आंगन में भी आ गए। वो अधिकारियों के साथ बैठ गए और उनके साथ आग तापने लगे। मसीह यीशु को मृत्यु दंड देने की इच्छा लिए हुए प्रधान याजक तथा पूरी महासभा मसीह यीशु के विरुद्ध गवाह खोजने का यत्न कर रही थी, किंतु इसमें वे विफल ही रहे। निसंदेह उनके विरुद्ध अनेक झूठे गवाह खड़े हुए थे, किंतु उनके गवाह में मेल न था। तब कुछ ने मसीह यीशु के विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, हमने इसे कहते सुना है, मैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में एक दूसरा बना दूंगा जो हाथ से बना न होगा। इस आरोप में भी उनके गवाह में समानता न थी। तब महायाजक खड़े हुए तथा मसीह यीशु के पास आकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? ये सब तुम्हारे विरुद्ध क्या क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया, वो मौन ही बने रहे। तब महायाजक ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम ही मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं हूँ। आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाएं पक्ष में आसीन तथा आकाश के बादलों पर लौटता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, अब क्या जरूरत रह गई किसी अन्य गवाह की? तुम सभी ने परमेश्वर निंदा सुन ली है, क्या विचार है तुम्हारा? सब ने एक मत से उन्हें मृत्यु दंड का भागी घोषित किया। कुछ ने उन पर थूकना प्रारंभ कर दिया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध कुछ उन्हें घूंसे मारते हुए कहने लगे, कर भविष्यवाणी, और प्रहरियों ने उनके मुख पर थप्पड़ भी मारे। जब पतरस नीचे आंगन में थे, महायाजक की एक सेविका वहां आई। उसे पतरस वहां आग तापते हुए दिखे, इसलिए वो उनकी ओर एक टक देखती हुई बोली, तुम भी तो यीशु नाजरी के साथ थे। पतरस ने ये कहते हुए नकार दिया, क्या कह रही हो, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और वो द्वार की ओर चले गए। एक बार फिर जब उस दासी ने उन्हें देखा तो आसपास उपस्थित लोगों से दोबारा कहने लगी, ये भी उन्हीं में से एक है। पतरस ने दोबारा नकार दिया। कुछ समय बाद उनके पास खड़े लोग ही पतरस से कहने लगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम भी गलीलवासी हो। किंतु पतरस धिक्कार कर सौगंध खाते हुए कहने लगे, तुम जिस व्यक्ति के विषय में कह रहे हो उसे तो मैं जानता ही नहीं। उसी क्षण मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को मसीह यीशु की वो पहले से कही हुई बात याद आई, इसके पहले कि मुर्ग 2 बार बांग दे, तुम 3 बार मुझे नकार चुके होंगे। पतरस फूट फूट कर रोने लगे। भोर होते ही प्रधान पुरोहितों, नेतागण तथा शास्त्रियों ने सारी महासभा का सत्र बुलाकर विचार किया और मसीह यीशु को, जो अभी भी बंधे हुए थे, ले जाकर पिलातोस को सौंप दिया। पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, क्या यहूदियों के राजा तुम हो? मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सच्चाई वही है जो आपने कहा है। प्रधान याजक मसीह यीशु पर अनेक आरोप लगाते रहे। इस पर पिलातोस ने मसीह यीशु से पूछा, कोई उत्तर नहीं दोगे? देखो, ये लोग तुम पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया। ये पिलातोस के लिए आश्चर्य का विषय था। उत्सव के अवसर पर वो किसी एक बंदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ दिया करता था। कारागार में बारब्बास नामक एक बंदी था। वो अन्य विद्रोहियों के साथ विद्रोह में हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था। भीड़ ने पिलातोस के पास जाकर उनकी प्रथा पूर्ति की विनती की। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, अच्छा तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? अब तक पिलातोस को ये मालूम हो चुका था कि प्रधान पुरोहितों ने मसीह यीशु को जलनवश पकड़वाया था, किंतु प्रधान पुरोहितों ने भीड़ को उकसाया कि वे मसीह यीशु के स्थान पर बारब्बास को छोड़ देने की विनती करें। इस पर पिलातोस ने उनसे पूछा, तो फिर मैं इसका क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? उन्होंने चिल्लाते हुए उत्तर दिया, मृत्यु दंड। क्यों? पिलातोस ने उनसे पूछा, क्या अपराध किया है इसने? इस पर वे उग्र हो बलपूर्वक चिल्लाते हुए बोले, मृत्यु दंड। भीड़ को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पिलातोस ने उनके लिए बारब्बास को विमुक्त कर दिया तथा मसीह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस मृत्यु दंड के लिए उनके हाथों में सौंप दिया। मसीह यीशु को सैनिक प्राइटोरियम अर्थात किले के भीतर आंगन में ले गए और वहां उन्होंने सारी रोमी सैनिक टुकड़ी इकट्ठा कर ली। उन्होंने मसीह यीशु को वहां ले जाकर
बैंगनी रंग का वस्त्र पहना दिया तथा कांटों को गूंथकर मुकुट का रूप दे उसे उनके ऊपर रख दिया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, यहूदियों के राजा आपकी जय। वे मसीह यीशु के सिर पर सरकंडा मारते जा रहे थे, इसके अतिरिक्त वे उन पर थूक रहे थे और उपहास में उनके सामने घुटने टेक कर झुक रहे थे। जब वे उपहास कर चुके, उन्होंने वो बैंगनी वस्त्र उतार लिया और उनके वस्त्र उन्हें दोबारा पहना दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। मार्ग में उन्हें कुरेनायास नगरवासी शिमोन नामक व्यक्ति मिला, जो अलेक्जांद्रास तथा रूफास का पिता था, जिसे उन्होंने मसीह यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए विवश किया। वे मसीह यीशु को लेकर गोलगोथा नामक स्थल पर आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। उन्होंने मसीह यीशु को गंधरस मिला हुआ दाखरस देना चाहा, किंतु मसीह यीशु ने उसे स्वीकार न किया। तब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने मसीह यीशु के वस्त्र बांटने के लिए पासा फेंका कि वस्त्र किसे मिले। ये दिन का तीसरा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उनके दोष पत्र पर लिखा था, यहूदियों का राजा। मसीह यीशु के साथ दो राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। ये होने पर पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो गया, उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिला कर मजाक उड़ा रहे थे, अरे ओ मंदिर को नाश कर 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे, अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। ये मसीह, ये इज़राइल का राजा, अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे।